Hi everyone, this is Tibinwal. Welcome to my channel where I give you information about studying abroad. Our aaj ki video hai 5 major mistakes done while taking admission in Nepal. नेपाल हमारा वो पड़ोसी देश है जहाँ पे जाना ऐसा लगता है जैसे इंडिया के ही किसी एक्सटेंडेड सिटी में जा रहे हो। नेपाल में जो बोली भाषा है वो काफ़ी इंडिया से मिलती है, हिंदी से मिलती है, और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती नेपाल जाने में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल को अपना MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन बनाते हैं, लेकिन ऐसी 5 गलतियों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी है अगर आप नेपाल में एडमिशन लेते हैं तो। नंबर 1 इज सिलेक्टिंग द करेक्ट वे टू अप्लाई। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक है कि आप अपने नीट स्कोर के हिसाब से अपना एडमिशन प्रोसेस करें, और दूसरा है MEC एग्जाम को दे के अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनमें से केवल एक ही वे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। या तो आप अपने नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लीजिए, या फिर आप नीट स्कोर को छोड़ के MEC के थ्रू एडमिशन लीजिए। सेकेंड मेजर मिस्टेक इज एडमिशन टेकिंग थ्रू लास्ट ईयर नीट स्कोर। नेपाल में लास्ट ईयर का नीट स्कोर नहीं चलता है, आपको करंट ईयर का नीट स्कोर पे ही एडमिशन मिलता है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत से लोग हैं जो बच्चों को अपने लास्ट नीट स्कोर के बिहाफ पे एडमिशन करवाते हैं, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जान चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के नीट स्कोर पे ले सकते हैं। अगर आपने इस साल नीट नहीं दिया है तो उसका भी एक तरीका है जिससे आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज MEC फॉर्म रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि वो नीट का वे अपना रहे हैं इसलिए वो MEC का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाहे नीट के थ्रू जाएं या फिर MEC के एग्जाम के थ्रू जाएं, दोनों ही केस में आपको MEC का फॉर्म भरना ही है। अगर आप MEC का फॉर्म नहीं भरते हैं या आप चूक जाते हैं तो आप नेपाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो ये मिस्टेक कभी ना करें। फोर्थ मेजर मिस्टेक इज द मिनिमम नीट स्कोर। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे हम तो रिजर्व कैटेगरी से हैं, हमारा तो 40% कट ऑफ है तो हम इसी कट ऑफ पे नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपका जो नेपाल के हिसाब से जो मिनिमम नीट स्कोर है वो है जनरल कैटेगरी का 50% जो लास्ट ईयर 137 था। तो आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से, आपका मिनिमम स्कोर 137 होना चाहिए, तो मेक श्योर करें आप ये मिस्टेक ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉन्ग लो इन्फॉर्मेशन फीस। नेपाल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे उनको अट्रैक्ट किया जाता है बहुत कम फीस बता के, और स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे ये कितनी अच्छी कंसल्टेंसी है, कितना कम फीस रोल बता रही है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कॉलेजेस की फीस कॉलेज डिसाइड करते हैं ना कि कंसल्टेंसी, तो मेक श्योर करें कि आप सही गाइडेंस के थ्रू जाएं, सही कंसल्टेंसी को चूज करें जो आपको सही फीस स्ट्रक्चर बताए। ऐसा ना हो कि बहुत कम फीस स्ट्रक्चर बता के आप जिसके थ्रू रजिस्टर करवा रहे हैं एट द एंड आप बस लूज करें अपना सीट भी और अपना फ्यूचर भी। बुक माई यूनिवर्सिटी एक ट्रस्टेड नाम है फॉर MBBS अब्रॉड। आप नेपाल में एडमिशन के लिए भी बुक माई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया है, एंड ऐसी बहुत सारी कैंपस रिव्यू और स्टूडेंट रिव्यू वाली वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके इन वीडियोस को देखिए और बुक कीजिए हमारे साथ एक MBBS अब्रॉड काउंसलिंग सेशन जहाँ पे हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कैसे आप नेपाल की बेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। चूज़ कीजिए MBBS अब्रॉड के लिए सबसे विश्वसनीय कंपनी बुक माई यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच।